इस वीडियो में मैं आपको स्पाइस मनी रजिस्ट्रेशन करने का कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं कि स्पाइस मनी रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको कौन कौन से स्टेप फॉलो करनी होती है। सो गाइस, मैं हूं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियो पाइए आप रोजाना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा जिस पे जाकर डायरेक्ट आप स्पाइस मनी पे ओपन हो सकते हैं। या आपको प्ले स्टोरी में स्पाइस मनी डालिएगा और इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको इसको ओपन करना है। इसको ओपन करेंगे, ओपन करते ही आपके सामने में कुछ इस तरीके से इसका यूजर इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर मैं इंग्लिश चूज करता हूँ। इसके बाद मैं कंटिन्यू, यहाँ पर आपको इस ऐसे परमिशन देना है। यहाँ पर गेट स्टार्ट करना है, यहाँ कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करते ही यहाँ पे परमिशन मांग रहा है, इसको अलाउ कर देना है इस तरीके से। तो इस तरीके से परमिशन को अलाउ कर देना है। यहाँ पे न्यू अकाउंट क्रिएट करने के यहाँ ज्वाइन स्पेस मनी नाउ पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर हो तो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ गेट स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके मोबाइल पे 4D का OTP आएगा, ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा। यहाँ पर देखिए ये डिटेक्ट कर लिया ऑटोमेटिक। इसके बाद यहाँ पे बोल रहा है आपको प्रोसीड वाले पे क्लिक करना है। प्रोसीड वाले पे क्लिक करते ही यहाँ पे देखिए कि आपका यहाँ पे पहले आपको बोला जा रहा है कि यहाँ पे आपका बेसिक डिटेल देने के लिए, तो आपका जो भी डिटेल है बेसिक वर्ड बेसिक डिटेल देंगे। यहाँ पर प्रोसीड वाले पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पर अपना नाम डालेंगे, ईमेल आईडी, इसके बाद यहाँ पर पिन कोड डालेंगे, यहाँ पर एड्रेस डालेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको जो अपलोड पे क्लिक करके यहाँ पे अपना आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, नरेगा कार्ड या पासपोर्ट इसमें डालेंगे। जैसे मैं यहाँ पे आधार कार्ड चूज करूँगा, तो इस तरीके से यहाँ पे आधार कार्ड चूज करने के बाद इसके यहाँ देख रहे हैं कि आपको यहाँ पे 2 साइड अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको 2 साइड पर क्लिक करेंगे इस तरीके से। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जो फर्स्ट पेज और लास्ट पेज है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ से इसलिए कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर देखिए कि यहाँ कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे अपना जो कार्ड नंबर है, आधार कार्ड नंबर, वो डालेंगे। इसके बाद यहाँ पे फ्रंट साइड और यहाँ पे बैक साइड डाल के यहाँ पे आपको कंटिन्यू करना है। यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे अपलोड पे। यहाँ पे आप देखिए कैमरा से भी क्लिक करके इसमें अपलोड कर सकते हैं या गैलरी से। तो चलिए हम यहाँ गैलरी में चूज करूँगा और गैलरी में से मैं इसको अपलोड कर देता हूँ। अपलोड करने के बाद यहाँ सिंपली कंटिन्यू, कन्फर्म एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते यहाँ पर देखिए आपका आ चुका है पूरा डिटेल इस तरीके। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही कुछ इस तरीके से आपके पास ऑप्शन आएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट पेज पर ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका जो बेसिक डिटेल ये ओके हो चुका है, ये ग्रीन टिक लग चुका है। अब यहाँ पे आपको पैन डिटेल डालना है, तो इसके लिए यहाँ प्रोसीड वाले पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते यहाँ पर पैन नंबर डालेंगे। इसके बाद यहाँ अपलोड पे क्लिक करके यहाँ पे आप कैमरा से या क्लिक करके ले सकते हैं, या गैलरी में हो तो गैलरी में से आप इस तरीके से जाएंगे, अपलोड करके इसमें अपलोड कर देंगे सेलेक्ट करके। पैन कार्ड अपलोड करने के बाद कन्फर्म एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए आपका ये जो पैन कार्ड अपलोड हो चुका है, ग्रीन टिक लग चुका है। इसके बाद यहाँ पे आपको एड पर्सनल डिटेल डालना है, तो प्रोसीड वाले पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए अपना फादर नेम, इसके बाद यहाँ पर मदर नेम, यहाँ पर आप डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर में से चूज कर लेंगे जो भी डेट ऑफ बर्थ है। इसके बाद यहाँ पर आपको जेंडर चूज कर लेना है, मेल फीमेल जो भी है। इसके बाद यहाँ पर आपको फिजिकल हैंडीकैप है, अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर नो करेंगे। इसके बाद यहाँ आप शादीशुदा है या नहीं, तो यहाँ पर मैरिड स्टेटस यहाँ पर आपको डालना है, मैरिड है या मैरिड है जो भी है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है, या जनरल, OBC, SC, ST इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर डालना है, अगर जो भी मोबाइल नंबर हो तो यहाँ पे आपको डालना है। यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन चूज कर लेना जो भी है। इसके बाद यहाँ पे आपको कोर्स चूज कर लेना है, यहाँ पे आप जिसमें से जो भी कोर्स अगर किए होंगे तो सेलेक्ट कर लेना है, अगर नहीं किए हैं तो नॉन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको कन्फर्म एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू होते ही आपको फिर से नेक्स्ट पेज पर लेके जाके ये फिर ओपन होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका एड पर्सन डिटेल भी कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद अगला ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे एड बैंक डिटेल पे, तो यहाँ प्रोसीड वाले पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही ये आपको फिर से यहाँ पे देखिए कि ऑप्शन आ चुका है बैंक सर्च का, तो इसमें जो भी बैंक है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना। जैसे मैं यहाँ स्टेट बैंक को सेलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पे आपको अपना अकाउंट नंबर और IFC कोड यहाँ पे डाल के यहाँ पे आपको कन्फर्म एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है।
कंटिन्यू करते यहाँ पे बोला जा रहा है कि वेरीफाई बैंक डिटेल, तो आपको यहाँ पे अपलोड करना है, अपलोड बैंक फॉर्म है जो भी, तो वो अपलोड करना है, या आपको यहाँ पे पासबुक या आपको कैंसिल चेक, तो जो भी है आपको इसमें अपलोड कर देना। जैसे हम यहाँ पे अपलोड करने वाला है कैंसिल चेक, तो यहाँ अपलोड वाले पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट आप कैमरा से क्लिक करके या गैलरी में से इसको अपलोड करेंगे, तो हम गैलरी में से इसको अपलोड कर लेते हैं। यहाँ कैंसिल चेक आ चुका है, या सबमिट वाले पे क्लिक करें, तो यहाँ पे देखिए आपका बैंक डिटेल भी यहाँ पे सबमिट हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे आपका शॉप लोकेशन को इसमें डालना है, तो यहाँ पे प्रोसीड वाले पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पे देखिए कि आपका शॉप कितने से कितने टाइम तक खुला रहता है, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि कितने से कितने टाइम तक ये जो बंद हो जाता है, और कितने टाइम तक खुलता है, कितने टाइम तक बंद होता है, तो वो आपको यहाँ पे डाल लेना है इस तरीके से। यहाँ पे आपको बोला जाए कि वीकली बंद रहता है या नहीं, तो इस तरीके से आप चूज कर लेंगे। तो यहाँ पे आप शॉप को लोकेशन का पिन कोड डालेंगे। इस तरीके से यहाँ पर देखिए आ चुका है आपका पूरा एड्रेस इसमें फिल हो चुका है। इसके बाद यहाँ ग्राम पंचायत आपको जो भी है, तो ग्राम पंचायत को यहाँ पर डाल देना है, या शॉप का जो फोटो, या यहाँ बोला है कि शॉप लोकेशन एड्रेस, तो आपको इसमें डाल देना है। तो इसके लिए यहाँ अपलोड वाले पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, नरेगा कार्ड, इसका पासपोर्ट जो भी है, जैसे मेरे पास आधार कार्ड, मैं इसको चूज कर लूँगा। अब यहाँ टू साइड चूज करेंगे। टू साइड चूज करने के बाद यहाँ कॉन्फर्म एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका ऑप्शन आ जाता है। यहाँ आधार नंबर डालेंगे, यहाँ फ्रंट पेज और यहाँ पर बैक साइड का जो है आधार कार्ड का, उसको आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। जैसे मैं यहाँ पर फटाफट से डाल देता हूँ, तो यहाँ पर देखिए पूरा आ चुका है। इसके बाद यहाँ कॉन्फर्म एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर फिर से यहाँ पर आपका पूरा फॉर्म फिलअप हो चुका है। इसके बाद कॉन्फर्म एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपका ये भी शॉप लोकेशन आ चुका है। अब यहाँ पर आपको बिजनेस डिटेल यहाँ पर डालना है। प्रोसीड वाले पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही ये ऑप्शन आपका ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पर देखिए आपका ऑक्यूपेशन चूज करना, आप काम क्या करते हैं, तो जो भी इसमें से काम करते हैं वो आपको इसमें से चूज कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पर चूज कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट नेटवर्क यहाँ पर आपको चूज कर लेना कि आपको कितना इनकम है, तो वो आपको इसमें से चूज कर लेना, जितना इनकम है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। इस तरीके से यहाँ पे आपको टर्न ओवर एनुअल कितना टर्न ओवर है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। तो यहाँ पूछा जा रहा है ओपनिंग सिंह, मतलब आपका दुकान कब चालू हुआ था, चालू किए हैं उस करके। इसके बाद यहाँ कंटिन्यू वाले क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पर देखिए आपका पूछा जा रहा है बिजनेस पर मंथ आप कितना कमा लेते हैं, वो आपको यहाँ पर डाल देना है। और उसके बाद यहाँ पर इंटायरी है, जो भी इंटायर है आपको यहाँ पे डाल देना है। तो इंटायर में आपको डालना है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल डालने के बाद यहाँ पर आपका GST नंबर है तो डालना है, नहीं तो छोड़ देना है। इसके बाद यहाँ कंटिन्यू वाले क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही ये आपको फिर से नेक्स्ट पेज पर लेकर जाके ओपन करेगा। यहाँ पे देखिए आपका बिजनेस भी आ चुका है। यहाँ पे आपका बोला जा रहा है कि एड अदर इन्फॉर्मेशन पर यहाँ प्रोसीड वाले पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपका जो भी अदर इन्फॉर्मेशन है इसमें इस तरीके से यहाँ पे आपको डालना है। यहाँ पे जो भी आपका इंटर अरेंजमेंट है इस तरीके से यहाँ पे यस नो करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपका नॉमिनी किसको बनाना चाहते हैं वो डालेंगे। इसका रिलेशन चूज कर लेंगे आपको क्या है। इस पर यहाँ पे एड्रेस डालेंगे, यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर, एज। इसके बाद यहाँ कॉन्फर्म एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए अब यहाँ बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो ही अपना शॉप का है वो आपको सेल्फी इसमें डालना है, तो यहाँ पर प्रोसीड वाले पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पे फिर से आपको नया पेज ये ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पर देखिए अब यहाँ पे आपको जो शॉप है उसका यहाँ पे आपको सेल्फी लेके इसमें आपको अटैच करके डाल देना है। इसके बाद यहाँ पे प्रोसीड टू क्लिक सेल्फी पे क्लिक करेंगे। यहाँ सेल्फी लेने के बाद यहाँ पर देखिए आपका जो लोकेशन पूछा जा रहा है, तो इस तरीके से अपना लोकेशन को डालेंगे। इसके बाद यहाँ पर कन्फर्म वाले पे क्लिक करेंगे। आपका देखिए इसमें सेल्फी यहाँ पर आ चुका है। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपको बोला जा रहा है स्मॉल वीडियो डिक्लेरेशन, तो आपको यहाँ प्रोसीड वाले पे क्लिक करना है। यहाँ पे इसमें जो भी पूछा गया आपको वो आपको जो भी इसमें बताएगा वो आपको यहाँ पे बोलते रहना है। इसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक ये आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको प्रोसीड टू रिकॉर्ड वीडियो पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही प्रोसीड करते हैं तो वहाँ पे जो है स्क्रीन पे आपको लिखा आएगा, आपका नाम आएगा, आपका एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर और लोकेशन आएगा। वो स्क्रीन पे आएगा, वो आपको बोलते ही जाना है। और जैसे ही वीडियो कंप्लीट हो जाता है तो ये ऑटोमेटिकली ही आपको यहाँ सबमिट हो जाता है। यहाँ पे देखिए लिखा आ रहा है डिटेल्स सबमिटेड सक्सेसफुली, तो इस तरीके से लिखा आ जाएगा। नीचे आ रहा है लिखा हुआ वी आर वर्किंग ऑन योर एप्लीकेशन एंड अपडेट योर ओवर SMS नेक्स्ट 8 आवर, मतलब 8 घंटे के अंदर में आपको SMS के थ्रू आपको अलर्ट कर दिया जाएगा। और जैसे ही आपको एक बार यूजर आईडी और पासवर्ड मिल जाता है तो बहुत ही आसानी से आप इस पर लॉगिन हो सकते हैं। और इसके जितने सर्विसेज है इसको आप बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे आप टिकट बना सकते हैं, प्लेन टिकट बना सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं, बहुत सारा ऑप्शन है जो आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो आप यहाँ से बहुत ही आसानी से आप उसको यूज कर सकते हैं। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।
एक बार जैसे ही आपको यूजर आईडी और पासवर्ड मिल जाता है तो आप इसकी जितनी सर्विस है उसको आप यूज कर सकते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।